बच्चों को मैं बस यही कहना चाहूँगी कि उनको एक ऐसा स्थान मिला है कि एक ही जगह में उनको सारी चीज़ें उपलब्ध होंगी, क्योंकि हमारे टाइम में ये चीज़ें नहीं होती थी फुलफ़िल, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट रही हूँ और अभी भी मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो ये चीज़ें देखना और एक ही जगह पे सारी चीज़ें मिलना बहुत ही सौभाग्य की बात होती है। तो बच्चे इस चीज़ का लुत्फ़ उठाएँ और अपने भविष्य को आगे बढ़ाएँ। सर मैंने यहाँ पर जैसे डिफेंस का, एनडीए का चलेगा, एयरफोर्स का, नेवी का और आर्मी का सर, और उसके साथ में एसएससी का जितने भी सर टेस्ट हैं, दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, ठीक है, डी ग्रुप, रेलवे पुलिस, रेलवे डी ग्रुप, जितने भी हैं सर सभी की कोचिंग यहाँ पर अवेलेबल है। अभी फिजिकल में जो बच्चा इनके पास आया है आज तक वो कभी फिजिकल में फेल नहीं हुआ जो आर्ट से निकल गया वो पास है। पास है। और यहाँ पर अभी इन्होंने जो ये संस्था मैट्रिक्स कोचिंग सेंटर जो खोला है, इससे हम इनको बहुत बहुत बधाई देते हैं। इस एरिया के भाग खुल गए हैं, ये कुरावटा गांव के नहीं बल्कि इस महेंद्रगढ़ और हरियाणा के भाग खुल गए हैं कि एक डिसिप्लिन्ड सोल्जर मिला है इनको, जो बच्चों को फिजिकल ट्रेनिंग बहुत ही तगड़ी देगा और एकेडमी भी बहुत, जो लेक्चरर्स हैं यहाँ, जो फैकल्टीज आ रही हैं वो भी बड़ी उम्दा किस्म के जो फैकल्टीज हैं वो आ रही हैं, तो सर्वांगीण विकास करवाएगा ये। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी। मैं प्रदीप कौशिक और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 16। जैसा मैंने कल आपको खबर दिखाई थी, मैट्रिक्स नाम से एकेडमी का शुभारंभ होने वाला है। अभी यहां पे मौजूद हूं और बहुत से लोग यहां आए हुए हैं क्योंकि एकेडमी का शुभारंभ है जहां बच्चों का भविष्य बनाया जाएगा, और चीफ गेस्ट वगैरह सभी यहाँ आए हुए हैं। उनसे बातचीत कर लेते हैं, क्या है पूरा मैट्रिक्स। सर थोड़ा सा जगह दे। जी सर नमस्कार। नमस्कार जी, कैसे हैं सर। बहुत अच्छा। नाम बताएं सर अपना। मैं कर्नल ब्रह्म सिंह, रिटायर्ड, और फिलहाल एक्स सर्विसमैन कैंटीन महेंद्रगढ़ का कैंटीन मैनेजर हूँ। अच्छा मैनेजर साहब, आप ये बताएं मेरे को कि मैट्रिक्स जो शुरुआत आज हुई है, इसका क्या सोचना है, क्या करेगी आगे जाके ये। इसके दूरगामी परिणाम होंगे क्योंकि बहुत सारी संस्थाएं ऐसी चल रही हैं, कहीं फिजिकल की प्रैक्टिस कराते हैं, कहीं पढ़ाई की यानी जनरल नॉलेज की, या लाइब्रेरी के अलग अलग हैं, कोई बच्चा लाइब्रेरी में जाता है फिजिकल करने के बाद। जो राजवीर सिंह ने ये मैट्रिक्स कोचिंग अब्लिक डिफेंस एकेडमी बनाई है, ये बहुत ही सराहनीय काम है क्योंकि इसमें एक छत के नीचे जो बच्चा इधर आएगा पढ़ने के बाद में, उसको ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा कि वो अपना सुबह फिजिकल करने के बाद दिन में अपने पढ़ाई कर सकता है। उसमें लाइब्रेरी है, बहुत सारा इसके अंदर ऐसे इंस्ट्रूमेंट लगाए हुए हैं जैसे कंप्यूटर लगे हुए हैं, और मैं समझता हूँ कि एक छत के नीचे इस टाइप के, इस तरह के पूरे बंदोबस्त किसी, शायद ही किसी एकेडमी में होंगे। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इसके दुर्गामी परिणाम होंगे, इधर के आसपास के बच्चों को, इधर के आसपास के पेरेंट्स को इसका फ़ायदा होगा। वाह जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत भी साथी यहाँ पे आए हैं इनके साथ। जी सर नमस्कार, कैसे हैं। हाँ जी नमस्कार सर। नाम बताएं सर अपना। डॉक्टर CS वर्मा प्रभाकर। सर ये बताएं आप मेरे को, जैसे शहर में तो एकेडमी बहुत सी होती हैं लेकिन शहर से दूर एकेडमी की है, इससे क्या बेनिफिट रहेगा राजवीर जी को। जी सर, सबसे पहले तो मैं राजवीर जी को बधाई देना चाहता हूं कि ग्रामीण अंचल में आकर के इन्होंने इस प्रकार की एकेडमी की स्थापना की है। दूसरा, महेंद्रगढ़ शिक्षा का हब है, आप जानते हैं, जी। तो वहाँ पर एकेडमिक एजुकेशन है वो काफ़ी दी जाती है, लेकिन यहाँ ग्रामीण अंचल में इस प्रकार की जो डे बोर्डिंग की जो एकेडमी है, इससे हमारे ग्रामीण अंचल के बच्चों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। हमने जाके देखा, इंफ्रास्ट्रक्चर को देखा है, वहाँ पे उनके रहने की सुविधाएँ, उनके खाने की सुविधाएँ और उनकी जो क्लासेज हैं वो वेल तरीके से सजाई गई हैं, और अच्छी फैकल्टी जो आई हुई है, डॉक्टर दीपक पाठक जी हैं और दूसरी फैकल्टी हैं, वो काफ़ी मेहनती और अनुभवी हैं। इसलिए हम आशा करते हैं कि हमारे, पहले तो ये पिछड़ा इलाका माना जाता था लेकिन अब सबसे आगे रहेगा। जी सर, ये शिक्षा का हब है और शिक्षा का हब बनेगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी सर कैसे हैं। नमस्कार सर। बढ़िया सर। नाम बताएं सर। भीषण शर्मा नाम है सर। सर जैसे मैट्रिक्स की शुरुआत की है, इन्होंने बता रहे थे कल मेरे को कि भाई 3-4 साल पहले मैंने रिसर्च की है, मैंने पढ़ाया भी है, अकेडमी चलाई है, फिर सोच समझ के मैंने ये किया है, क्या कहेंगे इस बारे में। सर सबसे पहले तो मैं राजवीर जी को आपके चैनल के माध्यम से बधाई देना चाहूँगा जिन्होंने ग्रामीण परिवेश में इस प्रकार की संस्था खोली है, आज एक दीप जलाया है इन्होंने, और निश्चित रूप से हमारे ग्रामीण युवाओं को रोज़गार मिलेगा, वो आगे बढ़ाएंगे और
अपनी भागीदारी, मतलब सबसे बड़ी बात यह कि वो देश के निर्माण में और हमारे इस क्षेत्र में वो बहुत कुछ करना चाहते हैं और वो करेंगे निश्चित रूप से, मुझे पूर्ण आशा है, और एक अच्छा सकारात्मक इसके परिणाम रहेंगे, डिफेंस के अच्छे रिजल्ट आएंगे अब यहाँ भी निश्चित रूप से जी, क्योंकि वो खुद भी डिफेंस से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और काफ़ी उनका अनुभव है, तो इस चीज़ के बारे में नॉलेज है इनको। हाँ, उनको नॉलेज है जी। भाई सभी अच्छा बता रहे हैं और डिफेंस में अच्छे रिजल्ट आना अब तय है क्योंकि सोच समझ कर किया गया कार्य है। जी सर, नाम बताएं अपना। SL सुबोध, लेक्चरर GSSS कांटी। कांटी से यहाँ पहुँचे हैं जी। जी, कैसा लग रहा है पहले तो ये बताएं, कॉलेज से और इधर जब आप आए क्या बहुत अच्छा लगता है। सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भाई राजवीर जी और उनकी टीम को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ देता हूँ कि उनकी इस उम्दा सोच से इलाका काफ़ी लाभान्वित होगा, क्योंकि जैसा मुझे पता चला है राजवीर सिंह जी ऑलरेडी ट्रेंड हैं आर्मी से, और ट्रेंड होने के कारण से हम ऐसी अनुशंसा रखते हैं कि जो युवा आज के ज़माने में भ्रमित हो रहे हैं उनको नया अनुशासन अच्छी दिशा देने में वो कामयाब होंगे और उससे हमारे इलाके को, पुरहांवटा गाँव को और समस्त क्षेत्र को पूर्ण रूप से लाभ मिलेगा। जी सर, कैसे हैं, नाम बताएं अपना। मेरा नाम सुधार मेजर सतवीर सिंह, रिटायर्ड आर्मी। अभी आप यहाँ से देख रहे हैं कि सुबह से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, बधाइयाँ दे रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है आपको? हमें बड़ी खुशी की बात है क्योंकि मैं इसी गांव से हूँ और इसी गांव का ये राजवीर है लड़का जिसने ये अकेडमी खोली है। इसने अकेडमी महेंद्रगढ़ में शुरू की थी एक, उसमें केवल ये फिजिकल ट्रेनिंग देते थे और तो इनके फिजिकल में जो बच्चा इनके पास आया है आज तक वो कभी फिजिकल में फेल नहीं हुआ और से निकल गया, वो पास है। पास है। और यहाँ पर अभी इन्होंने जो ये संस्था मैट्रिक्स कोचिंग सेंटर जो खोला है, इससे हम इनको बहुत बहुत बधाई देते हैं। इस एरिया के भाग खुल गए हैं, ये कुरावटा गांव के नहीं बल्कि इस महेंद्रगढ़ और हरियाणा के भाग खुल गए हैं कि एक डिसिप्लिन्ड सोल्जर मिला है इनको जो बच्चों को फिजिकल ट्रेनिंग बहुत ही तगड़ी देगा और एकेडमी भी बहुत, जो लेक्चरर्स हैं यहाँ जो फैकल्टीज आ रही हैं वो भी बड़ी उम्दा किस्म के जो फैकल्टीज हैं वो आ रही हैं, तो सर्वांगीण विकास करवाएगा। आप गांव से यहाँ भी बताएं स्वभाव कैसा है? राजवीर एक बहुत ही साधारण और मतलब मेहनती लड़का है और इसने शुरू से ही मेहनत की है। इसके पिताजी बहुत गरीब किसान हैं और इसने मेहनत के बल पे अपने ये इस बुलंदियों पे पहुंचा है। मेहनत के बल पे आज बिल्डिंग खड़ी कर दी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। कैसे हैं सर? बहुत अच्छे सर। आप भी चलाते हैं एकेडमी? जी, मैं भी एक अपनी छोटी सी संस्था है नालंदा कोचिंग सेंटर चलाता हूँ जी। ठीक है। और राजवीर जी ने भी आज एक संस्था की ओपनिंग की है, बहुत अच्छा लगा एक खुले वातावरण संस्था को देख कर, और मैं मेरी तरफ से उनको ढेरों शुभकामनाएं। क्या डिफरेंस रहेगा महेंद्रगढ़ की एकेडमी और कुरावटा गांव है वहां की एकेडमी? सर, सर ने जो डिफेंस एकेडमी यहाँ खोली है वो खुले माहौल में खोली है। इन्होंने कहा है कि मैं जो आने वाली फोर्सेज है आर्मी नेवी एयरफोर्स इन्हों जगह नहीं भी तैयार करूँगा, उनके लिए रेजिडेंशियल व्यवस्था जो है वो बहुत अच्छी लगी मेरे को इनके यहाँ पे। सबसे अच्छी बात ये है इनके यहाँ पे। अच्छा, मैंने सुना था कि वहाँ जो बच्चे एक पीरियड लेते हैं और फिर गोलगप्पे खाने चले जाते हैं, यहाँ वो सुविधा नहीं मिलेगी? सर, वो तो संस्था का अपना डिसिप्लिन होता है, जैसे अपने यहाँ तो मिलते ही नहीं काम। हाँ, यहाँ तो मिलेंगे नहीं, वो बात एक अलग है कि यहाँ मिलेंगे नहीं, ग्रामीण परिवेश में है, अच्छी है ये। तो यहाँ जब निगाहें दौड़ाते हैं तो सर चारों तरफ हरियाली हरियाली, चारों तरफ हरियाली है, देख के मन खुश हो जाता है यहाँ पे। मैडम कैसे हैं? नमस्कार, मैं बहुत अच्छी। आप उपाध्यक्ष बनाए गए उसके लिए बहुत बहुत बधाई। शुक्रिया। क्या कहेंगे आप यहाँ पहुँचे हैं, कैसा लगा पहले तो ये बताएं? यहाँ आने के मुझे बहुत आने के बाद मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और उस आपके चैनल के माध्यम से मैं राजवीर जी को बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी कि उन्होंने एक छोटे से परिवार से, मतलब उनके पिताजी जो, जैसे कि राजदीप जी ने बताया कि वो बहुत ही गरीब परिवार से संबंध रखते हैं, उसके बावजूद उन्होंने इतना बड़ा कार्य किया है गांव की सेवा के लिए, गांव के बच्चों के लिए, जो बहुत ही सराहनीय है। हम अभी अंदर गए थे निरीक्षण के लिए, हमने देखा कि वहाँ पर टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा उपयोग किया गया है जो कि आजकल के बच्चे युवा पीढ़ी के लिए बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि सब चीज़ें स्थान पर नहीं हो सकती, लाइव चीज़ें भी ज़रूरी हैं जिसके माध्यम से बच्चे बहुत ही आगे, उनके उज्जवल भविष्य के लिए वो चीज़ें बहुत ही अच्छी रहेंगी।
तो इसके लिए मैं उनको बहुत ही हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगी। बच्चों को क्या कहना चाहेंगे, अभी एक नई एकेडमी खुली है आज तो? बच्चों को मैं बस यही कहना चाहूँगी कि उनको एक ऐसा स्थान मिला है कि एक ही जगह में उनको सारी चीज़ें उपलब्ध होंगी, क्योंकि हमारे टाइम में ये चीज़ें नहीं होती थी फुलफिल, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट रही हूँ और अभी भी मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो ये चीज़ें देखना और एक ही जगह पे सारी चीज़ें मिलना बहुत ही सौभाग्य की बात होती है। तो बच्चे इस चीज़ का लुफ्त उठाएं और अपने भविष्य को आगे बढ़ाएं। सरपंच बने कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है। गांव की सेवाएं हो रही हैं, कैसा लग रहा है? बिल्कुल, बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि एक छोटी सी उम्र में मुझे इतना बड़ा पद गाँव वालों ने दिया है और मैं चाहूँगी कि आगे मैं उनकी उम्मीदों पर खड़ा उतरूँ। तो ये यहाँ पर सभी चीफ गेस्ट आए हुए थे भाई, इन सब ने बताया है कि मैट्रिक्स नाम से जो एकेडमी है आने वाले समय में जो भविष्य है हम बच्चों का वो उज्जवल होगा। अभी यहाँ के जो ओनर हैं राजवीर जी, उनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ तैयारियाँ आज की उनकी तरफ से की गई है। तब तक आप बने रहें इंडिया न्यूज़ 16 के साथ। मैट्रिक्स का पूरा स्टाफ और यहाँ के ओनर हमारे साथ हैं, आप देख सकते हैं और बातचीत करते हैं राजवीर जी से। सर कैसे हैं? सर नमस्कार, बताइए। बहुत बढ़िया सर। सबसे पहले तो न्यूज़ 16 को और पूरे क्षेत्रवासियों को ओपनिंग सेरेमनी पे आने के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद जी। लेकिन आप ये बताएं कि जिस प्रकार से इतने लोग पहुंचे हैं, क्या कहेंगे उनको मैट्रिक्स की तरफ से? सर जितने भी यहाँ पर आए हैं और जितने भी आपके चैनल से जो अभिभावक मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, उनसे मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगा कि आप यहाँ पर संस्था में, मैं ये नहीं कहूँगा, आप सबसे पहले एडमिशन करवाइए। फिर दूसरा, ना ही किसी बच्चे ने एडमिशन भी करवा लिया तो मेरा वो ध्येय नहीं है कि किसी की फ़ीस जमा करवा ली मैंने और वो बच्चे को अगर लाइक नहीं लगता इधर तो मैं फ़ीस को वापस देऊंगा। किसी को बच्चे को ये नहीं कहूंगा कि आप यहाँ पर एक बार फ़ीस जमा करवा दी तो मैं आपकी फ़ीस रिफंड नहीं करूंगा, उसको 3 महीने तक रहना है। नहीं सर, बच्चा यहाँ पर अच्छी प्रकार से चेक करे, उसको यहाँ की एजुकेशन, स्टाफ का व्यवहार, हर चीज़ अगर बेस्ट लगती है तो ही बच्चा यहाँ पर रहे। मेनली किस किस चीज़ की कोचिंग करवाई जाएगी? सर मेनली यहाँ पर जैसे डिफेंस का, NDA का चलेगा, एयरफोर्स का, नेवी का और आर्मी का सर, और उसके साथ में SSC का जितने भी सर टेस्ट हैं, दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, ठीक है, डी ग्रुप, रेलवे पुलिस, रेलवे डी ग्रुप, जितने भी हैं सर सभी की कोचिंग यहाँ पर अवेलेबल है। अभी जैसे आज उद्घाटन हुआ है तो कब से क्लासेस शुरू होंगी? सर क्लासेस कल से ही शुरू है। कल से शुरू हो जाएगी? हाँ सर। ये आपका स्टाफ रहेगा सर? तो क्या कहेंगे सर मैट्रिक्स के बारे में? सर देखिए, सर के साथ हमारी जैसे मुलाकात हुई थी मैट्रिक्स को लेकर के, इनका जो उद्देश्य है उनके उद्देश्य के साथ में हम काम करेंगे मिल करके। क्या पढ़ाएंगे? सर मैं हरियाणा जी के। हरियाणा जी महत्वपूर्ण? जी जी, हरियाणा के लिए तो देखिए महत्वपूर्ण है ही। रियली? जी सर। जी सर कैसे हैं? नाम अच्छे गजराज सर। क्या पढ़ाएंगे सर? मैं हिंदी पढ़ाऊंगा, हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण जी। तो हिंदी लगभग हर टेस्ट में आती होगी? हाँ, हरियाणा में तो विशेष रूप से। विशेष रूप से? हाँ, वो जो टेट की होती है उसमें। अच्छा, बड़ी भूमिका है हिंदी की भी। हाँ देखिए, जब कैसा रहेगा मैट्रिक्स का आने वाला समय? अच्छा रहेगा और बच्चों के लिए भी अच्छा भविष्य बनेगा। जी कैसे हैं? जी बिल्कुल बढ़िया है। क्या आप सेवाएं देंगे? सर मैं मैथ्स फैकल्टी सम्राट शंकर। अच्छा। जी मैं यहाँ मैथ्स पढ़ाने का काम करूँगा और मैट्रिक्स एकेडमी जो है, केवल एकेडमी नहीं है, बहुत सारी फैसिलिटियाँ यहाँ बच्चों को प्रोवाइड की गई हैं। जैसा कि हम देखें कि यहाँ पर बच्चे मार्केट के अंदर आते हैं तो मार्केट में आने के बाद बच्चा इधर उधर 2-3 क्लासें लिया, उसके बाद इधर उधर मार्केट में चला जाता है, घूमने फिरने लगता है, जिनकी इन्फॉर्मेशन पेरेंट्स को नहीं लगती। लेकिन मैट्रिक्स एकेडमी के अंदर ये एक खास बात है, सबसे पहले जो लड़कियाँ हैं ग्रामीण क्षेत्र से, जो बच्चे हैं, लड़के हो चाहे लड़कियाँ, दोनों के लिए हमारे पास बस फैसिलिटी अवेलेबल करवाई गई है। बच्चा यहाँ एक बार आने के बाद 6 घंटे मिनिमम एकेडमी के अंदर ही रहेगा, इसके दौरान वो एकेडमी से बाहर नहीं जा पाएगा। और यहाँ पर मेनली जो मेन गेट है हमारा, यहाँ के ऊपर गार्ड बैठा रहेगा, जो बच्चों की निगरानी, एंट्री टाइम, एग्जिट टाइम दोनों नोट किए जाएंगे। कोई भी बच्चा किसी भी कारणवश एकेडमी में नहीं पहुँच पाता है, एब्सेंट रहता है, तो उसके पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन उनके पेरेंट्स को दी जाएगी। फॉर्मेलिटी नहीं? जी बिल्कुल काम होगा, फॉर्मेलिटी का कोई काम नहीं है यहाँ पर। बच्चा जब लगे कि हाँ सारी फैसिलिटी, पेरेंट्स को लगे कि हमारे बच्चे यहाँ पर बिल्कुल सुरक्षित हैं, यहाँ पर अच्छी पढ़ाई होती है और बच्चे का भविष्य सुनिश्चित है, तो ही यहाँ एडमिशन लें, अदरवाइज यहाँ एडमिशन ना। जैसा यहाँ के अध्यापकों ने बताया है मैट्रिक्स के बारे में, अब मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ कि किस प्रकार से भवन बनाया गया है। देखिए आलीशान भवन बनाया गया है, सामने जो आपको रूम दिख रहा है उसमें बहुत से जगह बनाई गई है कंप्यूटर के लिए। इधर ये आप देखें कि हॉल बनाए गए हैं, यहाँ पे बच्चे पढ़ेंगे।
अंदर की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और काफ़ी हॉल हैं, हॉस्टल की व्यवस्था है, बच्चे भी यहाँ पे आए हुए हैं और आज तो भारी संख्या में भीड़ है क्योंकि आज इनॉग्रेशन यहाँ का हुआ है। लंबे चौड़े भवन बनाए गए हैं, आप देख सकते हैं कि अच्छे तरीके से वेल डिज़ाइन करके इनको बनाया है। आगे एक रूम है उसको और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस प्रकार से डिज़ाइनिंग जो है मैट्रिक्स में आपको मिलेगी, कैसी सुविधाएं आपको मिलेगी। वाह जी वाह, मतलब पीसीबी लगे हुए हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से रिफर्निश किया गया है, अच्छा फर्नीचर लगा के अच्छे तरीके, बढ़िया क्वालिटी की चेयर भी अच्छी क्वालिटी की लगा रखी है जी। मतलब बच्चों के भविष्य को लेके बहुत अच्छा सोच रहे हैं राजवीर जी। जो मैट्रिक्स में सुविधाएं मिलेंगी शायद ही आपको यहाँ कहीं मिल पाए। तो क्या सोचते हैं एकेडमी के बारे में, आज शुभारंभ हुआ है, कल से क्लासें हैं और स्पेशल एक बात कही है कि भाई अगर आपको अच्छी नहीं लगती है एकेडमी तो आपके जमा किए हुए पैसे भी वापस मिलते हैं। तो जो कहीं भी नहीं मिले, एक बार फीस जमा होगी वो वापस कहीं नहीं मिलती। अभी और भी आगे रूम है वो मैं दिखाता हूँ, क्लासरूम में दिखाना चाहूँगा आपको। देखें आप क्लासरूम की व्यवस्था, बेंचें लगा रखी हैं और पूरा मुझे बढ़िया लगा, ब्लैक बोर्ड की व्यवस्था और अच्छी व्यवस्थाएँ आपके बच्चे को यहाँ मिलेंगी। आप अगर आपके बच्चे को कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करवानी है, एक बार आप मैट्रिक्स में आएं और यहाँ की व्यवस्थाएं देखें, यहाँ के स्टाफ से मिलें। राजवीर जी जो आर्मी से रिटायर हैं, गांव में तारीफ़ होती है कि भाई बहुत अच्छा आदमी है। तो क्या सोचते हैं एकेडमी के बारे में, आज शुभारंभ हुआ है, यहाँ के जो स्टाफ है, ओनर है, उनसे मैंने आपकी बातचीत भी करवाई है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं क्या सोचते हैं इस बारे में और लगातार देखते रहें इंडिया न्यूज़ 16। नमस्कार, धन्यवाद।